हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में और फ्रेंड्स इस वीडियो में बात करेंगे एनटीपीसी रिज़ल्ट को लेकर जो विवाद चल रहा है अभी उसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है और यहां पर अभी तक जो है रेलवे की जीत हुई है और छात्रों की कहीं ना कहीं हार हुई है ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो भी वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊँगा और यहाँ पर कुछ लोगों के सवाल थे कि सर जैसे एन रिज़ल्ट को लेकर ये जो विवाद हो रहा है सभी टीचर्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर रिवाइज होता है रिजल्ट तो सी बी टू की डेट्स जो फाइनल हो चुकी हैं पहले ही या फिर ग्रुप डी की जो डेट्स हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे और एन रिजल्ट के लिए आगे क्या कुछ होने वाला है सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी बट मेक श्योर की वीडियो आपको कंप्लीट देखना है और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को जरूर प्रेस करें तो चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो एन रिजल्ट पर जो भी इशू चल रहा है उसमें रेलवे की तरफ से एक और क्लैरिफिकेशन का नोटिस कल आया था सभी वेबसाइट पर इसमें बाकी कुछ नया तो नहीं है वही सारी बातें इसमें थोड़ा सा ओपन करके इन्होंने लिख दी है कि हमने जो है इतने स्टूडेंट को लिया है लेवल टू के लिए और जैसा हमने नोटिफिकेशन में बताया था उसी के आधार पर हमने सारा सिलेक्शन का प्रोसेस रखा है अब यहाँ पर क्या है कि देखिए कुछ स्टूडेंट और कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि रेलवे ने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है स्टूडेंट तो बेसिकली वही है जिनका सलेक्शन हुआ है वो भी अपनी जगह सही है उनको ऐसा लग रहा है कि अगर रिवाइज रिजल्ट आता है या फिर एग्जाम में डिले होता है तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ी सी परेशानी जरूर होगी तो जिनका सिलेक्शन हो गया है, वो अपनी जगह सही है वो ये चाहते हैं कि आगे इसमें कुछ भी चेंजेस ना हो लेकिन यहाँ पर मैं उन टीचर से और उन सभी स्टूडेंट से एक बात पूछना चाहूंगा कि अगर एक स्टूडेंट गरीब फैमिली से बिलोंग करता है वो जैसे तैसे करके अपनी तैयारी करता है तीन चार साल की पढ़ाई करता है और उसके बाद अस्सी नंबर वो लेकर आता है में से उसके बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो यहाँ पर किसकी गलती है ये आपको जरूर सोचना चाहिए क्योंकि अस्सी नंबर कोई छोटा मोटा स्कोर नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे मार्क्स है और अस्सी नंबर लाने तक भी यहाँ पर स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो रहा है काफी सारे स्टूडेंट है इन एट्टी तक भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें जो है फॉल्ट तो जरूर है रेलवे की तरफ से और जिस तरह से प्रीमियर ने सिलेक्शन लेना था उस तरह से इन्होंने नहीं लिया है अब यहां पर जो है रेलवे अपनी तरफ से नोटिस जारी कर रहा है सर्कुलर जारी कर रहा है तो इसको देखने से तो यही लग रहा है कि जो रेलवे है वो कहीं ना कहीं अभी झुकने के मूड में नहीं है लेकिन आप लोगों ने पहले भी देखा है कि जो छात्रों की यूनिटी है टीचर्स की यूनिटी है और जो हमारा ये सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब है फेसबुक है इसकी जो ताकत है ये आपने पहले भी देखी है डेढ़ महीने दो महीने पहले एग्जाम की डेट्स अनाउंस हुई थी इसी के कारण और प्रोटेस्ट यहाँ पर कंटिन्यूसली जारी है प्रोटेस्ट हो रहा है कुछ छात्रों के द्वारा भी प्रोटेस्ट हुआ है वीडियो मेरे पास भेजा था आप लोगों ने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर तो छात्र यहां पर काफी गुस्से में भी है नाराज भी है कहीं ना कहीं अस्सी कही नंबर लाने पर उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो यह बात सही है उसके अलावा यहां पर जो टीचर्स है वो भी साथ हैं अब यहां पर देखिए जो स्टूडेंट और जो टीचर ये बोल रहे हैं कि रेलवे ने बिल्कुल सही किया है उनको ये वाला जो कल का का आर्टिकल है जरूर देखना चाहिए यहां पर एक छात्र ने जो है सुसाइड कर लिया है एनटीपीसी में सिलेक्शन ना होने के कारण तो इसलिए मैंनेल पर लिखा था कि रेलवे की यहां पर जीत है छात्रों की हार है देखिए अगर एक छात्र को अपनी जान गवानी पड़ रही है तो छात्रों की बहुत बुरी हार है और ऐसा करने के लिए तो मैं बिल्कुल आपको कहूंगा कि सोचेगा भी मत देखिए आपकी जान की जो कीमत है वो किसी भी नौकरी से किसी भी पैसे से या किसी भी चीज से बड़ी है ये बात सोच लीजिएगा मजदूरी कर लो कुछ भी कर लो लेकिन एक बात यहां पर आपको सोचनी होगी देखिए जो आपके पेरेंट्स आपको पढ़ाते हैं वो इसलिए नहीं पढ़ाते हैं कि आपका सिलेक्शन ना हो तो आप सुसाइड कर लें ठीक है ऐसा नहीं है कि इंसान देखिए जब स्ट्रगल करता है उसको कुछ ना कुछ जरूर मिलता है सभी की लाइफ में स्ट्रगल होते हैं किसी की लाइफ में छोटे होते हैं किसी की लाइफ में बड़े होते हैं अभी ग्रुप डी वाले स्टूडेंट भी थोड़ा सा डिमोटिवेट है उनको भी ये सलाह देना चाहूंगा डिमोटिवेट बिल्कुल होने की आवश्यकता नहीं है लाइफ में अगर मेहनत करोगे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है ये बात याद रखना तो यहां पर स्टूडेंट सुसाइड किया है बिल्कुल ऐसा तो आप लोग बिल्कुल ना सोचें ये गलती

डी टू की एग्जाम डेट है और जो ग्रुप डी की एग्जाम डेट है उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं तो है है और, है, तो तो और जैसे आपका चौदह फरवरी से ऑर्गेनाइज है CBD2, तो एक्सटेंड इसको तो yes करना ही पड़ेगा कि उसमें चेंजेस जरूर हो सकते हैं क्योंकि बीच में टाइम भी लग सकता है और अगर रेलवे नहीं करता है फिर तो आपका जो शेड्यूल्ड है यानी कि चौदह फरवरी से उस पर आपका सीबीडी टू हो जाएगा ग्रुप डी वालों की अगर बात करें तो ग्रुप डी वाले अभी से कोई डायरेक्टली प्रभावित नहीं है क्योंकि ग्रुप डी एग्जाम डेट्स थोड़ी सी दूर है तेईस फरवरी है और मैंने आपको पहले भी बताया है कुछ भी हंड्रेड कहना यहां पर सही नहीं होता है कुछ भी हो सकता है कंडीशन के आधार पर और यहां पर वैसे भी देखिए दो रीजन पहले से ही बहुत बड़े हैं आपके इलेक्शंस भी हैं पांच राज्यों में उसके अलावा आपका कोरोना भी है हालांकि कोरोना का तो इतना इफेक्ट फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है जैसा रिपोर्ट्स कहती हैं बाकी होने को कुछ भी हो सकता है तो अभी तक ये मान के चलिए कि ग्रुप डी की एग्जाम डेट्स पर तो कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा बाकी सी बी टू की एग्जाम डेट्स यहाँ पर प्रभावित हो सकती है अगर स्टूडेंट सड़कों पर आ गए और उन्होंने जो है अपना प्रोटेस्ट ज़्यादा बड़े लेवल पर कर दिया तो हो सकता है सीबी टू की एग्जाम डेट्स यहां पर एक्सटेंड करनी पड़ जाए बाकी फ्यूचर में क्या होता है वो देखने वाली बात होगी लेकिन यहां पर आप लोगों का फर्ज बनता है कि सभी मिलकर जो है सपोर्ट करें एनटीपीसी वाले छात्रों को